अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं और उसकी बेसिक सेटिंग्स क्या हैं, किस तरह से आप अपने चैनल को अपने मोबाइल से ही मैनेज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। इधर से गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च में लिखना है www.youtube.com। सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी। तो आपने थ्री डॉट्स पर जाना है और इधर नीचे आ जाना है, यहाँ डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। इससे होगा यह कि आपके पास यूट्यूब जो है जिस तरह आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उसी तरह से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो है इसको जूम करना है और इधर से आपने अपने चैनल में आ जाना है। योर चैनल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप जो है अपने चैनल को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद ये यूट्यूब स्टूडियो की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। आपके पास अगर नहीं होती तो आपने सबसे पहले जो है यूट्यूब स्टूडियो की एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद वहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास आपने दोबारा इसी वेबसाइट पर आ जाना है तो आपके पास जो है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद थर्ड नंबर पर बेसिक इन्फो लिखा हुआ है, आपने वहाँ उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ है चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आप अपने चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी नेम लिख देता हूँ, जैसे कि मैं टेक यूट्यूबर लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में लिख सकते हैं, आप अपने चैनल के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपने जो है कॉन्टैक्ट इन्फो में अपना ईमेल देना है, जो आपके पास ईमेल है। ईमेल देने के बाद आपने यहाँ से पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपने सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है ब्रांडिंग, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट नंबर पर आ जाता है कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे सेट करनी है। तो यहाँ पर अपलोड हम कोई भी प्रोफाइल अपनी जो है आपने जो भी अपनी प्रोफाइल रखनी है वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं कोई भी प्रोफाइल इधर से लगा देता हूँ एक। प्रोफाइल के बाद नीचे लिखा हुआ है बैनर इमेज, मतलब कि आपके प्रोफाइल के बाद जो है आपने अपना यूट्यूब का एक बैनर होता है वो सिलेक्ट करना है। वो आपने जो भी आप यहाँ से लगाना चाहें, मैं कोई भी एक सिलेक्ट करके इधर लगा लेता हूँ। उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे लिखा हुआ है वीडियो वाटरमार्क। वाटरमार्क वो होता है जो आपके वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर जो है वो शो होता है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप वाटरमार्क रखना चाहें, आपका लोगो है जो भी है, आप यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे। आपका जो वाटरमार्क है वो PNG के फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो साइज़ है वो 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपने इसकी बेसिक सेटिंग करनी है, जिसके लिए आपने सबसे नीचे आ जाना है। नीचे कॉर्नर पर ये जो सेटिंग का आइकन बना हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो ये देखें फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है जनरल, इसमें आपने आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है। मैं पाकिस्तान की करेंसी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद चैनल में सेकंड नंबर चैनल में आ जाना है। उसमें आने के बाद आपने यहाँ से पहले अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कंट्री है वो ये सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो है ये कीवर्ड्स, अब ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड्स बेसिकली ये होते हैं लोग क्या सर्च करते हैं, आपका चैनल में जो भी कंटेंट है, आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो किस बारे में होती है, आपके चैनल पे जो भी कंटेंट आप अपलोड करते हैं वो किस बारे में होता है, किस रिलेटेड किस चीज़ से रिलेटेड होता है, वो आपने यहाँ पर बताना है। जैसे मेरा चैनल मैंने इधर नेम लिखा हुआ है टैग यूट्यूबर, तो टैग के रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर इधर टैग है तो मैं यहाँ पर टैग में मोबाइल्स आ जाते हैं, लैपटॉप आ जाते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ लेटेस्ट मोबाइल, ये एक टैग बन गया। इसी तरह आप अपने कंटेंट के रिलेटेड जो भी टैग्स हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लैपटॉप है, लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं, इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो देखें तीन टैग्स जो हैं ये मैंने लिख दिए हैं। इसी तरह आप यहाँ 500 वर्ड तक जो है वो लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपने सेकेंड नंबर पर एडवांस सेटिंग, उसमें आ जाना है। उसमें आने के बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज़ मेड फॉर किड्स, तो आपने ये थर्ड नंबर वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइबर काउंट,
सब्सक्राइबर काउंट वो होता है कि आपके सब्सक्राइबर्स को जो आपके चैनल पर सब्सक्राइबर के नंबर्स हैं वो शो होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन्हें शो ना हो तो यहाँ से आप अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली जो है यहाँ से नीचे सेव कर देना है जो भी आपने सेटिंग की है। सेव करने के बाद आपने यहाँ से मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपका जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है। आपने जो है लास्ट सेटिंग जो बचती है आपने वही करनी है थोड़ी सी। इधर देखें आपका जो है टारगेट भी लिखा हुआ है, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो आप जो है मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपने नीचे थर्ड नंबर पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन इसको आपने ऑन कर लेना है। तो इधर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपने ईमेल का पासवर्ड देना है, वो मैं पासवर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे आपने 2-स्टेप वेरिफिकेशन में अपने अपना फ़ोन नंबर देना है। यहाँ पर आपने अपना कंट्री का जो भी है पहले कंट्री का सिलेक्ट कर लेना है, अपनी कंट्री कौन सी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है जो आपके यूज़ में है परमानेंट। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कोड आएगा आपके फ़ोन नंबर पर, आपने यहाँ से वो कोड देना है। कोड देने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। इस तरह से आपकी जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुकी है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, नीचे सिंपली नीचे नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल इस पर आपने क्लिक कर देना। इससे होगा ये कि जब आपके सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको YouTube की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा कि आप अब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं देखें YouTube ओपन करके दिखा देता हूँ, मेरा चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल में ही। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके पास किसी और टॉपिक के रिलेटेड कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।